फजर की अजान के ताल्लुक से कर्नाटका वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जो नोटिस जारी किया है वो बहुत बड़ी हिमाकत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ मजम्मत करता है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी अजान के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान के बारे में या शार इस्लाम के बारे में अपना नोटिस जारी करने की नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी औकाफ की हिफाजत, वक्फ प्रॉपर्टीज़, उसका सही सर्वे, उसके एनक्रोचमेंट को रोकना, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उससे बाहर आना। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में और पॉलिटिशियंस ने जितनी भी ज़मीन हड़प ली है उनके गलों से, उनकी हलक से वो ज़मीन को निकालना और जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसको डेवलप करना, उसकी आमदनियात को मुस्तहक गरीबों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करना। कोविड जैसे सीजन्स में कैलेमिटी के मौके पर रिलीफ का एक बेहतरीन काम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अदा करने में पूरा वक्फ बोर्ड, चेयरमैन से लेकर अराकीन से लेकर पूरे ऑफिशियल्स नाकाम हैं। बार बार आपने इसका मुजाहरा किया है। ये खामियों को छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड के लेटर हेड से अगर किसी और किस्म की शरारत या इस किस्म के नोटिसस जारी होंगे तो SDPI इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड अपनी अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने में बिल्कुल नाकाम होने के बावजूद ऐसे गैर ज़रूरी मसाइल को सामने लाकर अवाम के सामने परेशानी पैदा करना, पुरअमन माहौल को कशीदा करना, ये आपको शेवा नहीं देता। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहाना बनाकर, सरकार के आर्डर्स का अहमियत दिखाकर आप जिस तरीके से इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक फिस्ताइयत है, वो एक खौफ का माहौल पैदा करने का एक घुनावनी साजिश है। वसीम रजवी, वो भी एक वक्फ बोर्ड का पुराना ओहदेदार था, उसने भी अपने आप को औकात से बाहर किया है। रजालत खुलकर सामने आई है। औकाफ के तमाम मुतालिकीन से रिक्वेस्ट है, अपील है, गैर ज़रूरी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की बजाय कि औकाफ को, प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, कानून से कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे उनका इनकम सोर्स को बढ़ाया जा सकता है और वो जो आमदनियात हैं उसको किस तरीके से अवाम तक, मुस्तक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। अभी तक चेयरमैन के इंतखाबात नहीं हुए हैं, अंदर के घुपले बार 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 मीडिया की जीनत बने हुए हैं, अवाम वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मुतमईन नहीं हैं। ऐसे मौके पर गैर ज़रूरी चीज़ों को लाकर और ज़्यादा अवाम को मुश्ताल करना, ऐसी घनौनी हरकतें करना, ऐसे बयानात जारी करना, ये बिल्कुल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम पुरअमन अवाम से गुजारिश है कि आप बेचैन ना हों, परेशान ना हों, उलमाए इकराम से राबिते में रहें, जितने भी तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करें।